नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। सीएम योगी करेंगे एशिया के पहले राज्य गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन। देश ही नहीं एशिया में राजगिद्ध के संरक्षण के लिए गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपिरगंज रेंज में स्थापित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके लिए 6 सितंबर की तिथि प्रस्तावित है। इस जटायु संरक्षण केंद्र का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को किया था। जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन करने के बाद 6 सितंबर को ही मुख्यमंत्री स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित मानीराम श्रेत के सोनबरसा गांव में लगभग 634.86 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं सीएम योगी ने मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल के दिनों में घटित मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने, उनकी मॉनिटरिंग करने एवं घटनाओं के बढ़ने के कारणों पर मंथन करने के निर्देश दिए ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। सीएम योगी के निर्देश के बाद मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर कई जिलाधिकारी सक्रिय हो गए और आनन फानन में टीम बनाकर कॉम्बिंग एवं गांव गांव में जाकर जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का लिया संज्ञान, हर हाल में घटनाओं पर लगाएंगे अंकुश। इधर मुरादाबाद स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी में 74 पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने कहा, स्मार्ट पुलिसिंग से प्रशस्त होगी कानूनी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सुशासन के मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस बल की है। आज रूल ऑफ लॉ को लागू कराने के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदला है। सीएम योगी ने सोमवार को मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी में 74 पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में यह बात कही। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के तौर पर विख्यात उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नवनियुक्त होने वाले उपाधीक्षकों को पीएम मोदी के विजन अनुसार स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ाना होगा। अगली खबर की ओर रुककर तो बता दें, हर सितंबर में गुरु और शिष्य परंपरा की नजीर बनती है गोरक्षपीठ। जी हाँ, गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षाता पर ब्रह्मा तस्मे श्री गुरुवे नमः। यह है हमारे देश की गुरु शिष्य की अद्भुत और आदित्य परंपरा। ऐसी परंपरा जिसमें ताम्र अपने ज्ञान और संस्कार से गुरु अपने शिष्य की गुरुता को बढ़ाता रहता है और शिष्य भी अपने कर्मों और गुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा से गुरु की गुरुता को आगे ले जाता है, गुरु के रहने पर भी और ब्रह्मालीन होने जाने पर भी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं क्षण मेला कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और सपा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ये दल जाति मत और मजहब के नाम पर देश और प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। उन्होंने लोगों से विभान जनकारी ताकतों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग 2017 के पहले दंगाइयों के सामने घुटने टेकते और नाक रगड़ते थे। सीएम योगी ने कहा कि विगत 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने विकास के नए आयामों को छुआ है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 44% था, जो आज बढ़कर 60% तक जा चुका है, जिसे हमें 65% तक ले जाना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।